राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की शुरुआत के साथ तक दिन के आखिर में ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी में तो भगदड़ मची हुई है। एक के बाद दूसरे विधायक क्रॉस वोटिंग करते नजर आए। सूत्रों की माने तो कम से कम 5 से 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये दावा है बीजेपी का भी और सूत्र भी बता रहे हैं। आखिर क्यों, क्या हो गया, क्यों समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच गई? और ये तो अभी राज्यसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव तो बाकी है, तो फिर क्या होने वाला है समाजवादी पार्टी के भीतर आने वाले महीनों दिनों में? आप देख सकते हैं मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं मिलवाऊं आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर सुनील शर्मा साहब, बीजेपी के क्षेत्रीय संयोजक हैं वेस्टर्न यूपी में। मोहम्मद सादिक जुड़े हुए हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, एसपी समाजवादी पार्टी के कानपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर है सबसे पहले तो सादिक साहब, क्या हुआ ये समाजवादी पार्टी जो अखिलेश कह रहे हैं कि हम इकलौते हैं यूपी में जो बीजेपी को टक्कर देंगे, उनसे लड़ेंगे, सत्ता से हम टकराएंगे और मात देंगे, वहां तो पता चला कि उनकी सेना में ही भगदड़ मची हुई है, कैसे लड़ेंगे बिना सेना के? देखिए देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी पार्टी है जो ये दमनकारी सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करते चली आ रही है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, चाहे वो जो है डेवलपमेंट की बात हो, कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी अपने पहलू को बिल्कुल साफ करेगा और लगातार उनके लिए संघर्ष करती चली आ रही है। अब राज्यसभा चुनाव की बात रही तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ अपने 3 कैंडिडेट उतारा था और लगातार दूसरे दलों के भी लोगों से संपर्क में रहे कि हम अपने 3 कैंडिडेट आसानी जिता लें, लेकिन न जाने अंतिम क्षण में ऐसा क्या हुआ जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि मुझे अंतरात्मा मेरी जाग गई। तो ये बात उनको पहले भी सोचना चाहिए था कि अगर कोई प्रत्याशी उनको पसंद नहीं आ रहा तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने अपनी बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपनी बात रखे कि ऐसी क्या कमियां हैं, किस वजह से भरोसा उठ गया, क्या हो गया? देखिए मैंने कहा ना कि अगर कोई कोई बात अगर उनको सही नहीं लगती है, अगर कोई प्रत्याशी सही लगता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहले डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये सब मौकों की तलाश में ये कार्य किया जाता है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने आज समाजवादी पार्टी के साथ जो है धोखा किया है जिनको समाजवादी पार्टी ने पहचान दिलाई, समाजवादी पार्टी ने उनको एक कद दिया, एक जो है सम्मान दिया, उस सारे सम्मान को आज इन्होंने बिल्कुल जो है मतलब बहुत निराशाजनक जो है कार्य किया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बड़ा अफसोस की बात जाहिर की है कि तुम्हें समाजवादी पार्टी जिस पहचान तुम्हें दे रही है, तुम समाजवादी पार्टी के विरोध में अगर जाकर वोट करते हो तो ये अच्छा नहीं है। और जाहिर सी बात है 2024 की जो है चुनाव को लेकर भी ये बिल्कुल साफ कर दिया है, ये साफ हो गया कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है साथ, ये भी इससे क्लियर हो गया है। तो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है पीडीए को लेकर चल रहे, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कौन उनके सहयोग में रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ, तो यही तो बड़ा सवाल है कि क्या बिना सेना के सेनापति लड़ेंगे या सेनापति से भरोसा उठ रहा है? लेकिन डॉक्टर सुनील शर्मा साहब, आपने आखिरी पलों में क्या कर दिया भाई, क्या हो गया कि ऐसे समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच गई? ये डिनर पॉलिटिक्स से सब खेल बदल गया क्या? खरीद फरोख्त में लगे हुए क्या आप लोग? मेरा प्रणाम आपको सर। कोई खरीद फरोख्त नहीं हुए, ये तो उन दलों का काम रहा है जो आज अंतरात्मा की आवाज पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। ये एक जमाना हुआ करता था उत्तर प्रदेश में कि जबरदस्ती लोगों से वोट डलवा दिया करते थे, बूथों से डिब्बों को कैप्चर कर लिया जाता था। अब भारत बदला है, उत्तर प्रदेश बदला है, और अभी मोहम्मद साहब कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी से बात कर लेते, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लेते वो लोग। अरे समय मिलेगा तभी तो बात करेंगे भाई, आपके पास समय नहीं है अपने विधायकों से बात करने का। कल चुनाव है, आज उन्होंने मीटिंग बुलाई है, ऐसा उनका काम है। आज वोटिंग होनी थी परसों, कल परसों उन्होंने उनको बुलाया, पूछा क्या कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए, वो पूछेंगे जाके। आप अपनी कोर कमेटी को बुलाते हैं, वहां डिसाइड करते, परिवार की पार्टी है, वहां से एक आदेश फरमान जारी होता है, इन लोगों को वोट डाल दीजिएगा। अरे वो जब तक लेकिन उनकी भावनाओं को समझिए। शर्मा सुनील जी, अखिलेश यादव आज सामने आए तो यही कहा कि पैकेज पता नहीं कौन सा मिल गया सभी विधायकों को, अब इसका तो पता चलेगा नहीं, पैकेज का पता नहीं चलता है, लेकिन ये पैकेज का खेल है। अरे भाई, क्या कोई पैकेज आपने दिया है?
मैं बता रहा हूं, जिस दिन 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, अयोध्या में भगवान राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सब दलों के विधायकों का, नेताओं का मन था वहां जाने का, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने भगवान राम को ठुकरा दिया। लोगों ने, उनके विधायकों ने निर्णय लिया है कि हम उस दल के साथ जाएंगे जो राष्ट्र की बात करे, हम उस दल के जी साथ जाएंगे जो सबकी भावनाओं के सम्मान करेगा। नरेंद्र मोदी जी में, योगी आदित्यनाथ जी में आज लोगों का ओके, विश्वास बढ़ तो रहा है आपने कोई और पैकेज नहीं लोकसभा दिया, का ये चुनाव आने, अपनी मेरी गलती है, बात भगवान कंप्लीट, राम मेरी का उन्होंने कंप्लीट, अनादर झा क्यों किया साहब, हुआ? मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं एक चेक अभी आपके तो सवाल का जवाब राज्यसभा देता के हूँ, चुनाव की फिर बात अगली है, बात आप अपनी लोकसभा रखिए, के फिर चुनाव जवाब को आने दीजिए दीजिए, एक एक करके बात। लोकसभा के चुनाव को आने दीजिए। और अभी जो पैकेज की बात कर रही है, ये मानहानि का दावा हो सकता है अखिलेश यादव जी पर, वो विधायकों को करना चाहिए। आपने देखा है पैकेज देते हुए, आपने दिए होंगे पूर्व में, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं आप। आप उन लोगों के मान सम्मान के ओके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि आपके शादी मन जी आपका जो जवाब, है ये हड़बड़ाहट घबराहट बता रही है कि शायद ऐसा हुआ है जो आप नहीं मानहानि कोई बात नहीं, का मैं आपकी वादा बात, मैं दावा कर आपके रहे डर हैं, के जवाब दे रहा हूं, इससे ये मैं आपकी बात जाहिर का होता है जवाब कि दे रहा इस हूं। बात आपने को मेरे पास गुजारने सुनी की नहीं, बिल्कुल शर्त है। मोहम्मद और साहब, अगर आपने मेरी आपने बात जिससे अगर सुनी, राम मंदिर की बात करी, तो राम मंदिर अखिलेश यादव जी ने मेरी बिल्कुल बात साफ तौर पर कहा कि जब भगवान राम का बुलावा आएगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। ऐसा नहीं है तो कि भगवान उन्होंने राम उनको मना रुकने किया या गए हैं? किसी नहीं, विधायक को भगवान रुका, राम उनको सब रुकने स्वतंत्र, सब जा के सकते हैं, लिए सब ले चले जाने गए। की जाए जिसकी इच्छा है वो जाए मेरी बिल्कुल। बात और सुनिए, उन्होंने कहा जब भगवान इनके राम का बुलावा आएगा तो समाजवादी पार्टी के सभी लोग जाएंगे, लेकिन बुलावा किसका था आप ये भी तो देखिए। भगवान भगवान जब भगवान जब राम का भगवान राम बुलावा खुद आपको बुलाएंगे रुकने तो जो नहीं, है समाजवादी पार्टी के सभी लोग वहां पे उपस्थित होंगे, लेकिन आप अपनी भगवान राम ने नाकामी को उन्हें कहा छुपाने है की, कि विकास आप अपनी और नाकामी विकास को के सवाल कोशिश आपको नहीं क्यों कर रहे बुलाया, हैं? आपको नहीं बुलाया। और विकास और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हाईवे के जाल बिछे पड़े हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में चला जाइए, अपराधी जेल के अंदर बंद है। पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, महिलाएं सुरक्षित पिछले हैं। पिछले एक जमाना 5 साल वह की हुआ करता था, सरकार में सुनिए मेरी बात, आपने अखिलेश यादव जी की उस समय सरकार मैं में, बोलना नहीं समाजवादी पार्टी चाहता, की सरकार मैं गई, बोलना उसके नहीं सारे चाहता। आपने कार्यों मुलायम का सिंह यादव जी के विषय में, शिलान्यास मैं करके आपको ने मोहम्मद कार्यकाल सिंह चलाया है मेरी 5 साल। मैं बोलना नहीं आप चाहता मुलायम विकास की सिंह अगर जी के तुलना बारे में। करेंगे तो समाजवादी मुलायम सिंह जी पार्टी ने के कहा बिल्कुल बराबर था, कहीं नहीं जब खड़े एक हो बच्ची के सकते। साथ छेड़छाड़ हुई थी कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है, अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। छेड़छाड़ करेगा तो योगी जी का आदेश सुन लीजिए, बदल रहा है उत्तर प्रदेश। आप उस दल के नुमाइंदे हैं जिस दल में अपराधियों का, बलात्कारियों का पनाह मिलती रही सरकारों में। वहां के बड़े नेता ये कहते रहे लड़कों से गलती हो जाती है, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं गलती नहीं होगी, एनकाउंटर होगा, बच्चियों के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। महिलाओं के बीच जाइए, उनसे पूछिए वो कितनी सुरक्षित है। महिलाओं की वोट योगी जी को मिलता है, महिलाओं की वोट मोदी जी को मिलता है, वो अपने आप को सुरक्षित शादी महसूस जी, करेंगे। आप उस दल के नुमाइंदे हैं जिस दल ने अपराधियों को पनाह दी है, जिन ओके जवाब। बलात्कारियों के पक्ष में बयान गए हैं, अरे आप डॉक्टर समझिए, साहब, उन विधायकों अरे के शादी अंतर्रात्मा जी को जग भी गए हैं, जवाब दीजिए उन्होंने वोट दिया है डॉक्टर खुलेआम। बोलिए। साहब। ओके ओके शादी जी जवाब दीजिए कि भगवान राम का अपमान किया अखिलेश जी ने वहां नहीं जाकर, समाजवादी पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाकर, और यही वजह है क्या? और उसके बाद आपके मौर्य साहब संपर्क लगता है कि टूटा, आप जुड़े, मैं उम्मीद करता हूं जल्दी से जुड़ेंगे, लेकिन सुनील जी बड़े आरोप लगाए हैं आप पर। आज अखिलेश यादव ने सामने आकर कई बातें कही हैं कि कोई पैकेज हुआ दिया गया है, सुरक्षा दी जाएगी या मंत्री पद का लालच दिया गया होगा। क्या हुआ है? कुछ तो खेल हुआ है, यूं ही तो नहीं आग लग गई, भगदड़ मच गई। साहब, जहां साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि इनके चाचा जी ने छोड़ के क्यों गए थे शिवपाल जी? इनकी हठधर्मिता के कारण, इनकी डिक्टेटरशिप के कारण, तब कौन सी आग लगी थी, तब कौन सा झमेला हुआ था आपने जब कोई खेल शिवपाल नहीं जी किया, छोड़कर मतलब गए थे? पूरी बीजेपी समाजवादी ने कोई पार्टी खेल चली नहीं गई। किया, अपने अरे आप सब बोले थे ना उनके कि चाचा छोड़ के तक, गए हैं राजनीति। अरे राजनीति, उनके चाचा जी उन्हें छोड़ के चले गए। आप समझिए, नेता को जमीन पर उतरना पड़ेगा, अपने नेताओं की बात सुननी पड़ेगी, अपने विधायकों की बात सुननी पड़ेगी। अब दो लड़के तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी रहे, पिछले चुनाव में भी रहे,
फिर वही आ रहे हैं, भैया इस जोड़ी को प्रदेश पसंद नहीं कर रहा है, आप समझिए बात को। आप जब तक जनता के मनोभाव को नहीं समझेंगे, अरे आपकी आपकी सरकारों में अपराधियों को, गुंडों को, मवादियों को इतनी पनाह मिली कि अपराधी अपराधी आप क्या पले पड़े हैं माननीय माननीय माननीय, आप अपना इतिहास उठा के देखिए, आप जो है अपनी पार्टी के विधायक सांसदों का जो है उठा के देखिए, कौन कौन देश के बड़े बड़े पद पे जो अहदों पे बैठे हैं उनका रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि आपको बनाना पड़ेगा। ये आप जो है झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप जनता देश की प्रदेश की जनता बिल्कुल समझदार है, देखती है, जानती है, वो सब जानते हैं किसके पर आपराधिक मुकदमे हैं। आज आज अगर चर्चा राज्यसभा की होती तो हमें लगता है कि राज्यसभा से ही हम लोग को लौट कर आना चाहिए, लेकिन लेकिन आप लोग राम मंदिर धर्म सुनाई देगा। बोलिए मोहम्मद साहब, बोलिए राज्यसभा पे आ जाइए जी। मैं कह रहा हूँ आज अगर जिन लोगों को ने ये बात कही है तो उनको आज पहचान दिलाने वाली समाजवादी पार्टी है, और सही किया अगर उन्होंने, उनको लगता है कि उन्होंने सही किया तो ठीक है। 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पे लगा हुआ है, देश की जनता प्रदेश की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो वो उस पार्टी के सिंबल के ऊपर भरोसा करती है, और अगर वो जनता के वोटों का सौदा करता है, पीछा छुड़ा रहे हैं सादिक जी, और ये आपको ठीक लग रहा है? नहीं बिल्कुल, पीछा छुड़ाने के बाद ही समाजवादी पार्टी के वो कद्दावर नेता थे जो है विधान सभा के जो है सुमुख सचेतक थे, उनको किसी चीज की पार्टी ने कभी जो है कमी नहीं रखने दी, पार्टी ने उनको पूरी होल्ड दिया, लेकिन एंड वक्त किसी के दिल में कोई झांसा नहीं बैठ सकता। एक बात गौर कीजिए, मैं एक बात पूछता हूँ अभी, मतलब कार्रवाई करते करते बहुत देर कर दी जनाब, शायद आपने क्या कि आपके मौर्य साहब जलाते रहे रामचरितमानस के पन्नों को, सवर्णों के लिए क्या क्या नहीं कहते रहे, और आप चुप रहे, आपके नेता चुप रहे, और इसमें देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक तस्वीर दे रहा हूँ साथी भाई, आप सुनिए। और कौन कौन गए हैं आपके विधायक? मनोज पांडे, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह जो सूत्र बता रहे हैं, इसके अलावा पूजा पाल, आशुतोष मौर्य भी गए। मतलब भाई राजनीति में सभी, आप तो ये भी कहते रहे कि हम तो सबकी पार्टी है, सवर्णों की भी पार्टी है, बल्कि समर्थन मिला है अखिलेश जी को पिछले दिनों में, विकास पुरुष की छवि उन्होंने बनाई है, गुंडों बदमाशों से अलग पार्टी की छवि बनाने की कोशिश की है, फिर ये कैसे? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल 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 सही बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में जब से कमान आई, उन्होंने लगातार पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी कमियां अगर रही हो, उसको मैं कमी कहूंगा, तो उसको करने का उन्होंने फैसला किया, हमेशा जो है पार्टी बेहतर करने का काम किया, पढ़े लिखे लोगों को, नौजवानों को आगे करने का काम किया, क्योंकि ये प्रदेश जो है पढ़े लिखे नौजवान ही चला सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा उन लोगों पर भरोसा जताया जो इस प्रदेश के लिए बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमियां जब निकल के आती है तो बड़ा अफसोस होता है। वो अफसोस तब होता है कि जो पार्टी का मतलब एक अंग होता है, पार्टी ने हमेशा अगर पीडीए का नारा दिया भी है, उसके बाद भी पीडीए में जो है जो पिछड़े जो है अपने काम से अर्थव्यवस्था से उनको जो है शामिल करने की बात कही है। यहाँ पे कोई धर्म और जात की बात नहीं करेंगे, आपने देखे सभी धर्म के, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो चाहे वो ठाकुर समाज से, सभी को अच्छा हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी, सभी को भागीदारी दी। बिल्कुल लोकसभा में इनकी चिन्हित हुआ है, हम दूसरे जो हमारे पार्टी के अच्छे जो लीडर है, जो पार्टी के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि राजनीति के संघर्ष का नाम है। अगर आप संघर्ष नहीं कर सकते, मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार पिछले जो है पिछले टर्म में नहीं रही, इस बार भी नहीं रही, हो सकता हो समाजवादी पार्टी इनको और कुछ नहीं दे सकता था, तो इन्होंने कहीं ना कहीं सौदा किया हो आने वाले 2024 के लिए, कोई और इनके लिए तैयारी की गई, क्योंकि ये भी देखने को आ रहा है कि जो आठवें प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रहे, उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो कितने बड़े उद्योगपति का उनका नाम आता है, और वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो है प्रत्याशी भी, सॉरी राज्यसभा सदस्य भी जो है 2016 के रहे, तो उनके संपर्क में ये लोग जाहिर सी बात रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी वजह खास रही होगी जो अभी आज या कल तक हमने बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, जो भी है वो बिल्कुल सामने क्लियर आ जाएगी, और इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कार्रवाई होगी तो कार्रवाई बिल्कुल होगी, क्योंकि ये छल देश की प्रदेश की जनता के साथ छल है, क्योंकि उन्होंने उनको समाजवादी नेता के रूप में स्वीकार किया था,
ना कि किसी और वजह से स्वीकार किया था, धर्म और जात के आधार पर नहीं, बल्कि एक समाजवादी नेता के रूप में स्वीकार किया जो समता मूलक समाज की स्थापना करे। क्या ये समता मूलक समाज स्थापना की जो है पहल है? नहीं बिल्कुल, तो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी और इसका जवाब 2024 में जनता जरूर देगी। चलिए हम लोग पूरी जवाब पूरी आपका, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इस तरह की घटनाएं हुई उससे हम लोग बिल्कुल निपटने को तैयार है। छल छल रामद्रोह है या छल है? सुनील जी, छल कह रहे हैं मोहम्मद साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत इत्मीनान से आराम से बात पूछना चाहता हूँ। अरे भाई, आप जनता के मनोभाव को समझ ही नहीं रहे हैं। आपने कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता को सुना होगा, आचार्य प्रमोद कृष्णन, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के वर्तमान नेता जनता के मनोभाव को, उसकी नवज को पहचानने में असक्षम है। वो चैनल पर चिल्लाते रहे, भगवान राम निमंत्रण तुम्हें दे कैसे दें? तुमने उनके मंदिर पर प्रश्न चिन्ह उठाए, उसके जन्म पर प्रश्न चिन्ह उठाए। भगवान राम नहीं चाहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा के समय आप आए। अरे आपने तो गोलियां चलवा दी, आपने लोगों को मरवा दिया, आपको भगवान राम माफ कैसे कर सकते? मैं चैनल पे वो बातें नहीं बोलना चाहता साहब। आपने तो बिल्कुल कांग्रेस के बिल्कुल बड़े नेताओं ने तो बिल्कुल खुल के बोलिए। उनकी आज एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला। इस बात का साफ तौर पर चाहिए, मोहम्मद साहब देखिए मेरी बात हिंदू सुनिए, मुस्लिम के मोहम्मद ऊपर साहब, उठकर बात करिए। मोहम्मद साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र ऐसा नेता मौलाना यादव जी ने जन्म लिया जिसने लाइन ऑर्डर को बचाने के लिए जो हर संभव प्रयास हो सका किया। आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप इस प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। मैं इसका कटाक्ष करूंगा, मैं जरूर कटाक्ष करूंगा क्योंकि आपको तारीफ करनी चाहिए कि एक नेता ऐसा प्रदेश के अंदर पैदा हुआ जिसने लाइन ऑर्डर को बचाया। आपको इसकी सराहना करना चाहिए। अगर कोई कोई दूसरी भीड़ अगर उग्र करती है तो अगर उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती तो प्रशासन का शासन का जो है की पीठ थपथपाई जाती है। अगर नेता मुलायम सिंह यादव जी ने उस वक्त देश की स्थिति को बचाया है, प्रदेश को बचाया, वरना आप लोगों ने इस देश को, इस प्रदेश को आग में झोंक दिया। आप लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, रोजगार से मतलब नहीं, पेपर लीक हो रहे हैं आपको इससे मतलब नहीं, आपको किसानों से मतलब नहीं, किसान मर रहे हैं आपको मतलब नहीं, आपको सिर्फ मतलब किससे? हिंदू मुसलमान से, धर्म जात से, मंदिर मस्जिद से? बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपको जिन मुद्दों से मतलब नहीं है आपको, आप उसपे चर्चा नहीं करते। आप चर्चा उस पर कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, मकसद ही नहीं। आप कोई मकसद उसका नहीं है, आप उसका कोई मकसद नहीं है। जब इस प्रदेश को आग से बचाने का काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया, आपको तारीफ करनी चाहिए। अरे सुनिए, अरे लाइन ऑर्डर बचाने का काम किया, लाइन ऑर्डर बचाने का काम किया, वरना आपके सांसद शादी प्रतिज्ञा जो है माले बाबू बमब्लास्ट में नहीं पकड़े गए। आपके जाने कितने नेता बमब्लास्ट में नहीं पकड़े गए, इस पर जो है इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? आप आज उनको उनको सदन के अंदर जो है सांसद बनाकर बैठा ले हुए हैं। आप जिनको शामिल करते हैं वो अपराधी नहीं है? आप अपने अपराधियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? मुस्लिमों को बुलाया गया, वो गए, मुस्लिम भी गए, मुस्लिमों ने स्वीकार किया, तब लैंड ऑर्डर खराब हो रहा था। अब मंदिर बना, अब खराब नहीं हुआ। मुलायम सिंह जी की आप लोगों की नीति रही है मुस्लिम वोट बैंक आप, को आप लोगों आप, मुस्लिम आप मोदी जी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप कार करने वाले लोगों का एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अखिलेश यादव जी के कार्यों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको तो बलात्कारी लोग चाहिए, आपको टेनी जैसे लोग चाहिए जो किसानों की छाती पर गाड़ी चला दे, आपको तो जो है आपको तो जो महिला पहलवान के साथ रेप कर रहे हैं वैसे सांसद चाहिए, आपको तो पेपर लीक करने वाले लोग चाहिए। आप वैकेंसी दे नहीं पा रहे, रोजगार दे नहीं पा रहे। आप जिसकी जो जरूरत है, इस प्रदेश को इस देश को जो जरूरत है, ये देश माननीय जब सन 1947 में आजाद हुआ और हमें संविधान सन 1950 को दे दिया गया, तो पिछली बातों को भूल कर इस देश को सुंदर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम लोग ने पहल करी। लेकिन इस पहल को आज लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस देश को आज जो इतना पिछड़ा फंद पे लाने के लिए कार कर रहे हैं, ये बिल्कुल देश का कर्जा आप लोग बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई रोक नहीं पा रहे, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप भी अयोध्या पहुंच जाते हैं। ये देश की जनता, ये देश की जनता 2024 में आपको जवाब, सुशील शर्मा जी देश की जनता आपको बिल्कुल जवाब देगी।
भाजपा की सरकार मोदी जी की बिल्कुल सरकार देगी, 400 सीटें क्योंकि प्राप्त कर रही है। जरूरत है इस प्रदेश को, इस देश को जरूरत है नहीं, रोजगार मेरी की, जरूरत है, मैंने कब मना किया? तो क्यों नहीं, योगी जी क्यों है नहीं तो दे सही, रहे? योगी जी है तो सही, इसलिए अपराधी इसलिए अपराधी जमानत नहीं मांग रहे साहब, जमानत नहीं मांग रहे, तो जेल में अपराध रहना पसंद कर रहे हैं, जो जेल से बाहर है वो जेल जा रहे हैं, समझिए मोहम्मद साहब, अखिलेश आप यादव भी जी जनता ने, की नब्ज को नहीं समझ रहे जिनको हैं। आप अरे अपराधी महिलाओं में कहते थे, जाइए, उनसे अखिलेश यादव पूछिए जी ने कितना उनके सुरक्षित टिकट काटे है। नहीं काटे, उन्होंने टिकट किसके काटे नहीं काटे, अखिलेश यादव जी किसके ने, जिनको आप टिकट? अपराधी कहते हैं, अब फिर तो क्यों हार अखिलेश गए यादव भाई? जी ने उनको अच्छा पार्टी से फिर बाहर क्यों हार किया नहीं गए? किया, अरे लेकिन योगी आप जी और अखिलेश मोदी पे यादव जी की बात विश्वास करिए, है, आप आजादी मोदी से जी पहले और की योगी बातें जी क्यों पर नहीं विश्वास करते? है। सुनिए सुनिए कौन आ सुनिए, रहा है जी से बाद में भाई, और बिल्कुल इतिहास को याद रखना चाहिए अखिलेश मोहम्मद यादव, साहब, अखिलेश आप यादव गलत जी बोल के रहे विकास हैं, पर क्यों नहीं इतिहास आप को याद बात रखना करते? चाहिए। भारत की सनातन अरे संस्कृति बिल्कुल का इतिहास इतिहास में याद चर्चा है, नहीं करोगे? हम इतिहास क्यों भी नहीं याद करेंगे रखें और चर्चा? हम भारत आप का गलत बोल संविधान रहे भी हैं, याद रखें, कौन सा हम इतिहास? इस देश के आयन औरंगजेब को को याद मानते करिए, अकबर मानते को याद हम करिए, इस देश के आयन को अरे मुकद्दर औरंगजेब ले, को याद, हम इस गलत देश के आयन गलत, जो जो भारत का औरंगजेब संविधान बीर जो बाकी हमें को याद हमें कीजिए, जिसने हमें कह मंदिर को रहा है तोड़ कि कर मस्जिद बनाने का काम किया, इस देश को मजबूत बनाइए, बीर हम उसका बाकी को काम याद कर रहे हैं, हम करिए। समता मूलक समाज की स्थापना की बात कर रहे हैं, हम कार्ड छाट नहीं अच्छा रहे, तो एक काम हम करिए, कोई कार्ड समाजवादी छाट नहीं पार्टी रहे। का राष्ट्राध्यक्ष बना दीजिए ना किसी दलित को, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाइए किसी स्वर्ण को, भाजपा की नीति पर आइए, एक गरीब का बच्चा, एक झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये समतामूलक मुख्य समाज सचेतक है। कौन थे? मुख्य भारतीय सचेतक जनता कौन पार्टी थे? का बताइए प्रदेश अध्यक्ष, बताइए एक गरीब कौन का मुख्य बच्चा बन सचेतक सकता कौन है, है? एक मनोज एक पांडे एक कौन गरीब है? परिवार मनीष में पैदे पांडे हुए कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए, मुलायम सिंह के परिवार में पैदा नहीं हुए, आप समझिए बात को, समता मूलक समाज की परिभाषा हम जानते हैं, आप नहीं, आप तो जी, एक ढंग मुख्य मचाते समाज सचेतक के कौन अंदर। है? मनोज अरे तुम्हें पांडे बना के, देना प्रदेश अध्यक्ष, मनोज बनाए पांडे तुम्हें शर्मा जी, मोहम्मद शर्मा साहब, जी, आप तो शर्मा बना जी, दें, मनोज पांडे जी कौन है? बनाए, अरे बताइए ना, अरे मनोज पांडे जी राष्ट्राध्यक्ष कौन है? बनाइए, राष्ट्राध्यक्ष हैं क्या समाजवादी पार्टी के? राष्ट्राध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या समाजवादी पार्टी के, जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड के या जो चुनाव समिति होती है उसके मेंबर हैं क्या? अरे क्यों बहका ओके रहे हो? मुलायम सिंह जी के अरे परिवार डॉक्टर से साहब, बवाल निकलता है आदेश, अक्षय कर रहे हैं, यादव, देखिए हर राम पार्टी गोपाल का, हर यादव, पार्टी के, शिवपाल यादव, हर मुलायम सिंह जी अरे यादव, हमने अब तो और पूरे पूरे अरे चुनाव सुनिए बाकी ना, है, अखिलेश जी बहुत बड़ा यादव, बात डिंपल जी करिए आप यादव, ऊपर, कितने अरे भैया कितने सुनिए, आपको जनता कितने आपकी नाम नब्ज को गिराने, जानती है, आज आपको जिन्होंने ये जानती भी है, बता दे, आपको जिन्होंने बता जानती दे, है, जिनको आपको समाजवादी जानती पार्टी है, में, आपको समाजवादी जानती पार्टी में है। जिनको पहचान दिलाई, वो मनोज पांडे कौन है, हेलो, राकेश प्रताप सिंह कौन है, अभय सिंह जी कौन है, हाँ विनोद चतुर्वेदी कौन है, या ये राकेश तो पांडे जी जनता की कौन है? बात होनी अब चाहिए, आप आप बताइए ना बताइए कौन है? क्या जिनको पार्टी ने इनको पहचान सम्मान नहीं दिलाई किया? वही, पार्टी ने इनको विधायक नहीं बनाया? क्या पार्टी ने इनको क्या पहचान नहीं दी? जब अब जब बताइए आपने पार्टी जब कहां आपने मिला के स्वामी रख दे? प्रसाद आपने मौर्य बड़े लिए थे, कैसे कैसे जब आपने उस्तादों स्वामी जी को प्रसाद अधिकार मौर्य दिए लिए हैं, थे, कोई अधिकार महान दिए, व्यक्ति मैंने की आपको पहचान नाम दिलाई उसको गिनाए हैं, मैंने आपको नाम कोई गिनाया है, अधिकार नहीं है। क्या पार्टी ने इनको सम्मान नहीं अरे दिया? बताओ ना, आप बनाओ बताइए ना, राष्ट्राध्यक्ष, मैं बता राष्ट्राध्यक्ष दूं, बनाओ, एक मैंने आपको नाम गिनाया है, राष्ट्राध्यक्ष मुझे बनाओ, लगता है एक आखिरी सवाल, राष्ट्राध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बनाओ ना, मुझे भी सुन समता लीजिए, पूलक समाज आप हम लोग जानते हैं मैं कैसे, चले अभी जाता हूँ, मैंने आपको विद्यार्थियों से बताया ना, सुनो, मैंने एक नाम आखिरी आपको गिराया, सवाल, ये आज बोलिए जिन्होंने शादी की, इस अरे प्रदेश की नाम जनता गिना को, दीजिए भाई, ये नाम नहीं, इस राष्ट्राध्यक्ष प्रदेश की बनिए, जनता एक आज उत्तर विधायक प्रदेश के शासित कर रही मुख्यमंत्री का है, प्रत्यक्ष मैंने घोषित आपको नाम करेंगे क्या गिराया मनोज है, पांडे को? आप सुन एक्सेप्ट नहीं लीजिए, करना चाहते, राकेश पांडे जी को एक्सेप्ट करेंगे नहीं जा क्या? रही आप लोगों की उत्तर, आवाज, आप आप एक्सेप्ट नहीं करना राष्ट्राध्यक्ष भी चाहते, नहीं होंगे, जा रही आवाज, आप उत्तर आप प्रदेश के एक्सेप्ट नहीं मुख्यमंत्री करना भी चाहते, होंगे, ऐसे नहीं चलेगा, अखिलेश जी सारा खर्चा पारिवारिक आप बात है, नहीं कर राजनीति सकते, तो आप आपकी एक्सेप्ट नहीं, नहीं कर सकते, आप अरे सब एक्सेप्ट मुद्दों का हिस्सा आप एक ही दिन में बोलिए करेंगे, बोलिए आप बोलिए, सादिक जी, बोलिए। सादिक जी क्या आप ये मानेंगे कि आज ये जो क्रॉस वोटिंग का सारा खेल समाजवादी पार्टी में हुआ है, कहीं ना कहीं ये इस बात को बता रहा है कि आप लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का नहीं जाकर के उस कार्यक्रम में एक बड़ी गलती की है समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी के रणनीति में उलझ गए, या कहें कि कांग्रेस की घोषणा में उलझ गए कि हम नहीं जाएंगे तो अब हम कैसे जाएं, नहीं तो हम अल्पसंख्यक विरोधी दिखेंगे, ये एक गलती हुई है, कोई गलती नहीं, कोई जाना गलती नहीं, मतलब नहीं जाना चाहिए देश था, आप को, कह रहे हैं नहीं देश के जाना चाहिए चारों था, जगत गुरु ने, जगत गुरुओं ने इसका इनका प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, उनसे सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं किया, उन्होंने कहा ये सही वक्त नहीं है प्राण प्रतिष्ठा करने का, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी बात को भी माना, उन्होंने कहा कि राम क्या आज ही आएंगे, राम तो वहां पे हमेशा के लिए है, आप किसी भी दिन जा सकते हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते, जो जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने बताया ये सही वक्त नहीं है, आप उनसे सवाल अरे क्यों नहीं करते? चाचा जी तक ने ये बात एक तरीके से कह दी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि सभी विधायक जाएंगे जिस दिन विधानसभा अध्यक्ष जाएंगे, आपके विधायक जब विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में
इस पर प्रस्ताव पास किया गया इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के, आपके विधायक तल्ख नजर आए, परेशान नजर आए, अनकंफर्टेबल नजर आए, आप मानेंगे अपनी गलती को, नहीं मानेंगे नहीं तो ऐसा नहीं, सुधारेंगे अगर कैसे? बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल कहा कि सब जाएंगे, जब राम भगवान राम उनको बुलाएंगे वो जरूर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसी वक्त पार्टी के अंदर जो है बगावत शुरू हो चुकी अच्छा होती, कैसे वो क्योंकि बुलाएंगे क्योंकि ये भी देखिए साफ कर जी लीजिए, क्यों भगवान बुलाने का राम, तरीका कौन भगवान सा राम होगा जब आप देखिए, जाएंगे? भगवान राम वो 400, उत्तर प्रदेश के अगर 403 विधायक की बात की जाए वो सभी के हैं, जब जिसको वक्त मिलेगा तब वो वहां पे जाएगा, और ओके ये बिल्कुल जाना जाना चाहिए और जाएंगे, उनको जब वक्त मिलेगा बिल्कुल जाएंगे, ये बात है ही कहीं से आ ही नहीं ठीक है सकती कोई ना जाए दिखती, लेकिन जब मर्जी होगी, जब इच्छा होगी, जब उसका बुलावा होगा, देखिए अभी जैसे जिसका बुलावा वो तभी वहां पहुंचेगा, अब ठीक किसी है और के बुलावे से ओके नहीं जाना चाहते, हम किसी और के बुलावे ओके से नहीं जाना चाहते हैं, पार्टी जो है ओके भगवान राम के बुलावे भी जाना चाहती है, और जब बुलावा आएगा जाएंगे जरूर, आपको बताएंगे भी हम जाएंगे जब। मुझे लगता है कि आपके नेताओं के अलावा, आपके विधायकों के अलावा, आपके समर्थकों के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश को इस बात का इंतजार रहेगा कि जो आप कह रहे हैं कि जब बुलावा आएगा, या आपके नेता भी कह रहे हैं, वो किस तरीके से बुलावा आने की बात कह रहे हैं, वो कब बुलावा आ रहा है, और वो कब आप जा रहे हैं दर्शन के लिए, ये देखना होगा, क्योंकि इंतजार है, आपके बिल्कुल समर्थकों में देखिए भी इस बात का तीर्थ इंतजार है। तीर्थ मैं तीर्थ यकीन से आपको यात्रा एक बताता हूँ, तरीके से वो भी एक तीर्थ यात्रा है, और तीर्थ यात्रा में बुलावा जब होता है तभी आदमी जाता है, किसी की जब मर्जी जबरदस्ती से नहीं होता है, ठीक नहीं बात है, वक्त अभी चलिए आया है, आएगा बिल्कुल एब्सोल्युटली, आएगा, बिल्कुल मैं जाएंगे। इसका, मैं बिल्कुल इसका विरोध नहीं कर रहा आपकी बात का। तो देखना होगा कि कब बुलावा आता है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल आप जी शर्मा जी, आप एक बात लेकिन बहुत छोटे से में कह के, क्योंकि हम टाइम्स को एक्सीड कर चुके हैं, मैं कंक्लूड करना चाहता हूं, प्लीज योर रिस्पॉन्स। देखिए, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश और प्रदेश वाले, जी देश में बदलाव परिवर्तन हो रहा है और प्रदेश में हो रहा है। अभी मोहम्मद साहब समझ नहीं रहे हैं, आबू धाबू तो मुस्लिमों का देश है, वहां भी मंदिर बना है, वहां क्या कर ले, अभी आप समझ नहीं रहे हैं मोहम्मद साहब। मैं फिर कह रहा हूं, जब मेरी बात कम कंप्लीट होने दो प्लीज, मैं आपके बीच में ना, प्लीज प्लीज प्लीज। पहले एक प्रश्न उठता था कि भाजपा के लोग हैं दंगा करा देते हैं, आतंकवादी बन रहे हैं, अयोध्या में जब ढांचा गिरा बांध में से, उसके बाद भाई जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ढाया वहां कौन सी ढांचा गिरा था, इराक में कौन सा गिरा था, अफगानिस्तान में कौन सा गिरा था, आप समझ नहीं रहे हैं। भारत की सभ्यता को, संस्कृति को, इस पे हजारों साल आक्रमण के बाद भी अगर ये जीवित है तो यहाँ की संस्कृति, धर्म और धर्म गुरुओं के दिशा निर्देश में चलने के कारण है। मोहम्मद साहब, कांग्रेस को, ठीक आप है, लोगों को, ओके जनता की नब्ज पता नहीं है। और मैं फिर एक जी, बात कह रहा हूँ, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है इसमें बिल्कुल पारदर्शिता के साथ विधायकों ने अपना वोट डाला है। हिमाचल प्रदेश के विक्रमादित्य हैं, वो गए मंदिर के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में गए, आदरणीय प्रधानमंत्री, बात समझिए, जन को समझिए, बदलते हुए भारत को समझिए, बदलते हुए प्रदेश को ओके समझिए, अरे ये सब और समझ आपका भी लेंगे तो फिर स्वागत आप है, क्या अच्छे करेंगे? लोगों का स्वागत है, अच्छे लोगों का स्वागत है, अच्छे लोगों आप का स्वागत फिर है, तो आपके लिए कुछ भी अच्छे हो लोगों जाएगा। का स्वागत है। नहीं, ओके कोई जी मुश्किल नहीं है, हमारे यहाँ तो अभी इन्होंने एक बात कही थी ना, समता मूलक, हमारा हृदय बहुत सनातन, संस्कृति बहुत विशाल है, हमने तो सबको स्थान दिया है, भारत दुनिया देश सनातन, है जिसमें सब अरे धर्मों को, संस्कृति बहुत विशाल है, माननीय लेकिन हमारी पिछले पार्टी में भी लोकसभा की सब बात कर ऐसे, ले, उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात 80 में से लोकसभा एक तो विधानसभा मुस्लिम सबका आपने सबका सांसद की अभिनंदन, टिकट नहीं दी है। वो लिमिटेड हाँ है, कह रहे हो, विधानसभा की सबकी बात सीट कर रहे हैं लिमिटेड है, उसमें नंबर आप, लाना होता है और ये नंबर गेम। आप, अरे ओके आप, फाइन फाइन, आपने आज अभी मुझे लगता है कि हमने बात कर अभी ली है अभी कहीं ना कहीं। काम करिए ना पार्टी के लिए, वो भी होगा पार्टी के, जी जितना समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करते हैं भाजपा के लिए भी करिए, तभी मिलेगा भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपको सब चीजें, ये तो सब पार्टी का एक निर्णय कुल होता मिला है, करके, बड़े कुल लोग पार्लियामेंट के मिला बोर्ड में करके बैठते हैं, वो भी आज आज राज्यसभा के लिए वोटिंग के दौरान उत्तर प्रदेश में जो भी हालात पैदा हुए, क्रॉस वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ, बड़े नेता, करीबी नेता पार्टी सुप्रीमो के, समाजवादी पार्टी के, वो उन्होंने पाला बदल लिया, क्रॉस वोटिंग कर दी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए और उसके सुप्रीमो के लिए
गहरी चिंता की बात होगी और चिंतन चल भी रहा होगा। देखना ये होगा कि कौन सा समाधान और कौन सी रणनीति लेकर आते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने खड़ा है लोकसभा का चुनाव, दिलचस्प होगा देखना। आप क्या सोचते हैं अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जानकारी के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी और सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।